हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1 ट्यूटर। फ्रेंड्स, आपके लिए अपडेट है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि CTI का ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग का जो काउंसलिंग है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं फ्रेंड कि CITS 2019 ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम 15 जून। तो कल से आपका जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग पूरा डिटेल देख सकते हैं और फ्रेंड यहाँ पे आप लोग काउंसलिंग डेट और इंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं। तो पहले आप लोग मेरा सलाह रहेगा कि आप लोग पहले काउंसलिंग का डेट और इंस्ट्रक्शन को देखें। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको एक दिखा दूँ। पहले देखिए, आपको इसे पढ़ना होगा, इसको आप अच्छे से समझ जाइएगा। मैं बता दूँ, जब आप काउंसलिंग करेंगे तो आपको 1000 रुपये का काउंसलिंग फी पेमेंट करना होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं काउंसलिंग का जो फी है 1000 रुपये का फी है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। और काउंसलिंग का जो फेज होगा वह 3 फेज होगा, जैसे कि काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, फिर मॉप अप राउंड। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल में मेंशन है। आप देखिए, काउंसलिंग को ऑनलाइन काउंसलिंग को अटेंड करने के लिए आपके जो कट ऑफ मार्क्स आने चाहिए वह इतना होना चाहिए। जनरल कैटेगरी OBC SC ST PH के लिए 100 अंकों में से न्यूनतम कट ऑफ 33, 29 और 20 है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या करना होगा। तो उम्मीदवार लॉगिन दिया जाएगा, उसके माध्यम से लॉगिन करें। सेलेक्ट के माध्यम से संस्था का चयन करना पड़ेगा, फिर काउंसलिंग फी देना पड़ेगा। अपने लॉगिन में दर्शाए गए डायनामिक रैंकिंग में दर्शाए अनुसार संस्था का चयन और सत्यापित करना होगा। फिर फ्रेंड सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा प्रोसेस दिया गया है, देख सकते हैं। आपका 15 से स्टार्ट है, 15 और 16 को जो होगा, मैं इसको जूम कर दूँ थोड़ा। तो संस्थान का चयन और काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना होगा। फिर आपको फर्स्ट काउंसलिंग होगा, फिर आपका अलॉटमेंट इंस्टीट्यूशन अपेयरिंग कैंडिडेट लॉगिन। तो कैंडिडेट लॉगिन में आपका अलॉटेड जो संस्था है वो आपको शो करेगा। फिर आपको नज़दीकी संस्था में जाके संपर्क करना पड़ेगा। देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर प्रोविजनल प्रोविजनल प्रवेश होगा, यानी कि एडमिशन होगा। फिर 23 तारीख को देख सकते हैं यहाँ पे कि ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑनलाइन होगा। फिर सेलेक्ट इंस्टीट्यूट चॉइस होगा, मतलब कि आपको अपना जो संस्था उसको चॉइस करने का मतलब मौका दिया जाएगा। फिर देख सकते हैं आपका मतलब कि सेकेंड राउंड जो होगा वो 24 से लेके 2-7 तक होगा। उसके बाद मॉपअप राउंड होगा, तो मॉपअप जो राउंड होगा 3 जुलाई से लेके 5 जुलाई यानी कि शुक्रवार तक होगा। तो फिर ये था अपडेट। आप लोग पहले इसको पूरा इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप काउंसलिंग अटेंड करें। काउंसलिंग के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या मतलब कितने मार्क्स चाहिए, कितना पेमेंट चाहिए, ये सब आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक